हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेटिव कॉर्नर। आज हम पारंपरिक लच्छे से राखी बनाने वाले हैं। इसके लिए हम कैनवास का यूज़ करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से राखी बनाएंगे। सबसे पहले हमने जो लच्छे का स्टार्टिंग पॉइंट है, इसे इस तरीके से घुमाकर अंदर की ओर कर लेंगे ताकि ये बिखरे ना, क्योंकि आप सभी को पता है कि लच्छे में बहुत सारे रेशे होते हैं तो ये बिखर जाता है आसानी से। इस तरह से हम बीच में इसे चिपकाएंगे और फिर इसके चारों ओर इसे घुमाते हुए गोल शेप देंगे। इसकी शेप आप छोटी बड़ी अपने हिसाब से कर सकते हैं, आपको जिस साइज की राखी बनानी हो। मुझे बस इसी शेप की राखी चाहिए तो अब मैं ऐसे कट कर लूँगी। इसे हम थोड़ा सा लास्ट से तिरछा काटेंगे ताकि ये इसका शेप ना बिगड़े। लास्ट में कॉर्नर से हम अच्छे से इसे चिपका देंगे ताकि ये खुले नहीं, और ये बेस बन के रेडी हो गया है। अब हम इसे डेकोरेट कर देंगे। मैं यहाँ ईयरबड का यूज़ कर रही हूँ। इसके ऊपर आप पहले थोड़ा सा ग्लू लगा लें और फिर इससे आप अपने जो भी सितारे डायमंड्स जो भी है वो चिपकाएं, एकदम सही जगह लगेंगे ये इस तरीके से। लच्छे का बेस बनाने के बाद आप अपने हिसाब से भी कोई डिज़ाइन इस पर बना सकते हैं। ये एकदम सूती रेशे होते हैं तो बड़ा आसानी से इस पर कुछ भी डेकोरेट किया जा सकता है, बट हाँ, ग्लू लगाने में थोड़ी सी परेशानी रहती है। ये हमने डिज़ाइन कर लिया है। ये आप देख सकते हैं, जैसे जैसे मैं इसके ऊपर ग्लू लगा रही हूँ ये एकदम रेशे साथ साथ आ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसमें रेशे होते हैं। तो आपको थोड़ा सा ग्लू लगाते टाइम थोड़ा सा इसे केयरफुली लगाना रहता है। ये हमने इसे पर्ल की बॉर्डर दी है। अब हम इसे थोड़ा सा सेट कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा कैनवास दिख रहा है उसे हम कट कर लेंगे। ये हमने इसे एकदम गोल शेप में कट कर लिया है। एक और कैनवास का टुकड़ा लेंगे हम और इससे थोड़ा सा छोटी साइज में गोलाई में से काट देंगे ताकि ये दिखे ना। ये हमने बिल्कुल गोल कट कर लिया है। अब हम इस पर, मैं इस पर डोरी की जगह लच्छे का ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हम लच्छे से राखी बना रहे हैं तो लच्छा बहुत ही अच्छा लगेगा इसके अंदर, अगर आप कोई और डोरी का यूज़ ना करते हुए लच्छे का यूज़ करेंगे तो। इसके ऊपर अच्छे से हम इसे चिपका देंगे। बहुत ही आसानी से कैनवास पर ये लच्छा चिपक जाता है क्योंकि सूती होता है। अब हम ये बेस इसके ऊपर चिपका देंगे और बस हमारी राखी बनकर एकदम रेडी है। फ्रेंड्स, ट्रेडिशनली राखी के समय पहले लच्छे का ही यूज़ किया जाता था, एक तरीके से रक्षा सूत्र के रूप में। अब तो मार्केट में बहुत सारी डिज़ाइनर राखीज मिलने लगी है, फिर भी लच्छे का अपना एक अलग महत्व होता है, ये हम और आप अच्छे से जानते हैं।
मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये आइडिया कैसा लगा। जल्दी मिलेंगे एक नए इनोवेटिव आइडिया के साथ।